नमस्कार, कैसे हैं आप। तो आज का टॉपिक काफ़ी अलग होने वाला है। जैसे कि पता है, बीच बीच में मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो थोड़े टॉपिक से अलग होती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, लेकिन काफ़ी डेप्थ में हम बातें करते हैं, एक तरीके से आराम से बैठ के टॉक शो जैसा डिस्कशन करते हैं। और ये वीडियोज़ आपको इत्मीनान से देखनी चाहिए जब आपके पास काफ़ी फुर्सत हो। तो आज का टॉपिक है कि क्या संस्कृत लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। हम सुनते हुए आए हैं, मैंने भी कई बार फैक्ट में ये बताया है कि हाँ, संस्कृत लैंग्वेज सूटेबल लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, मशीन ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों के लिए। हाँ, तो इस कथन में कितनी सच्चाई है? अगर है तो क्यों है, ये तो कारण तो पूछिए, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या हुआ था, इसको बताने के लिए मुझे आपको पहले संस्कृत के बारे में कुछ बता दूं। संस्कृत आपने पढ़ी ही होगी 6, 7, 8 क्लास में, जो 3 क्लासेस होती है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पर ये तीनों क्लासेस में संस्कृत कंपलसरी होती थी, आपको पढ़ना होता था। जो क्वेश्चन पेपर आता था, बड़ी मुश्किल से हम सॉल्व कर पाते थे। वहाँ पर एक चित्र देख कर सेंटेंस लिखने के लिए आता था, और हमारे टीचर ने कह रखा था कि पहला सेंटेंस लिख देना इदम चित्रम शोभनम अस्ति, तो 2 नंबर पा जाओगे तुम। तो हम ऐसे नंबर वगैरह जुगाड़ करते थे। आपने भी किए होंगे संस्कृत में। बाद में ये सेलेक्ट करने के लिए हो जाता है, 9th 10th में आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो हिंदी की जगह पर, या वेब टेक्नोलॉजी आईपी की जगह। ये आप जानते हैं, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यही सब्जेक्ट्स हैं। अब संस्कृत एक भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है। आपको बताऊं, भारत की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। और इसके जो लिटरेचर्स हैं वो सारे जितने भी हजारों साल पुराने हैं, पूरे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता हमारी है, और काफ़ी पुरानी है, कई हज़ार साल पहले। और जो लैंग्वेज है हमारी, हज़ारों साल पुरानी है। तो उसमें जो लिटरेचर मिलते हैं, जितने भी ज्ञान है, वेद हैं, जितने भी वेद पुराण, सारे आपको संस्कृत में मिलते हैं। तो ये लैंग्वेज संस्कृत बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस की जननी है, मतलब बहुत सारी दूसरी भाषाओं के जो वर्ड हैं, इवन इंग्लिश में भी कई सारे ऐसे वर्ड हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो कि संस्कृत से डिराइव किए गए हैं। तो संस्कृत इन सब लैंग्वेजेस की मदर, राइट? तो इसीलिए ये एक नेचुरल लैंग्वेज हम इसे कह सकते हैं। अब ये जो सारा कथन है कि संस्कृत बेस्ट है कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, ये कहां से शुरू हुई, इसके लिए मुझे ले जाना पड़ेगा आपको 1985, नासा एक साइंटिस्ट रिक ब्रिग्स, जिसने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिल्कुल इनिशियल स्टेज था, जब कि हम कंप्यूटर से बात कर पाए, ये उस समय सिर्फ कल्पना जैसा लगता था, सच्चाई नहीं लगती थी, लेकिन आज तो ये काफी सच्चाई हो गई है। उसका आप सीधा साधा उदाहरण ले सकते हो, सीरी, कोर्टाना, फेसबुक का AI, अभी तो जो शट डाउन कर दिया उन लोगों ने, उस जमाने में इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो वहां पर चैलेंज ये था कि हम किसी कंप्यूटर को अपनी नेचुरल लैंग्वेज समझा पाए, मतलब हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर पाए अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसमें हम बोलते हैं। क्योंकि उस समय कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका हुआ करता था, वो होता था कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, या जैसी कोई भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, या लिस्ट, जो नहीं पता आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, उसका इस्तेमाल करना। तो आप नॉर्मल इंसान तो ये नहीं बोल सकता ना, हेलो कंप्यूटर HTML, हेलो कंप्यूटर पाइथन स्क्रिप्ट इफ और एरे, ऐसे तो बात नहीं कर सकता इंसान। वो तो ऐसे ही करेगा ना, हेलो कंप्यूटर हाउ आर यू, ऐसे बात करेगा, राइट? तो ये चैलेंज था कि कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सिर्फ कोडिंग ही नहीं, इंसानी जबान, इंसानी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा सके। और जैसे कि आप जानते हो कि ज्यादातर लैंग्वेजेस की जननी संस्कृत है, बहुत सारी लैंग्वेजेस की, और संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है। इसके जितने भी जो पाणिनि थे, ऋषि पाणिनि थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो संस्कृत की ग्रामर है उसको काफी डेवलप किया, काफी उन्होंने लिखी भी इसके बारे में चीजें, इंफॉर्मेशन काफी हमें मिलती है पुराने लिटरेचर्स में। इसकी जो ग्रामर है बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बनाई गई है, इस तरीके से बनाई गई है कि वो एक नेचुरल लैंग्वेज है और कंप्यूटर को समझने में उसे आसानी होगी। लेकिन 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 एक बात और सामने आती है कि जो नेचुरल लैंग्वेज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल लैंग्वेज में भी काम कर सकती है, जो कि आपकी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश। इसीलिए उसको ये बिलीव हुआ कि संस्कृत बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए। अगर ऐसा था तो फिर आज लोग C++, जावा ना सीखकर संस्कृत क्यों नहीं सीख रहे, जरा सोचिए। फिर ये एक परेशानी आई, इसीलिए नहीं हो पाया ये, क्योंकि संस्कृत से जो थॉट्स शेयर करना और कोडिंग करना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, मुश्किल था। इसको सिर्फ इस्तेमाल किया गया संस्कृत को कंप्यूटर्स को ट्रेन करने के लिए,
कि हाँ ऐसे ट्रेन होना है। आप कभी कोई चीज जब सीखते हैं तो आप प्राइमरी सोर्स से सीखते हैं, ना कि सेकेंडरी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी एक सच्चाई है, मान के चलो जैसे ताजमहल है, ताजमहल का कलर रातों रात लाल कलर का हो गया, राइट? या ताजमहल में कोई इंसिडेंस हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, या किसी भी जगह कोई भी दुर्घटना हो गई, तो एक दोस्त दूसरे को बताएगा फोन करके, अरे तेरे को पता है ताजमहल में ना ये दुर्घटना हो गई, 3 ईंटें गिर गई, फॉर एग्जाम्पल 3 ईंटें गिर गई। फिर वो दोस्त दूसरे दोस्त को बोलेगा, अरे तुझे पता ताजमहल पे 5 ईंटें गिर गई, 6 गिर गई, 7 गिर गई। तो जो फैलती हुई बातें आती है उनमें सच्चाई नहीं होती और कहीं ना कहीं वो मिक्स हो जाती है, राइट? लेकिन अगर कोई इंसान इसकी तफ्तीश करना चाहे और डायरेक्ट वहीं पर जाके देखे जहां पर ये हुआ है प्राइमरी कि क्या हुआ है, तो उसको सच्चाई मिलेगी। अगर हम उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी लैंग्वेज चेंज होती हुई आई है, तो ऐसी बेस्ट लैंग्वेज नहीं मिल पाएगी जिसकी ग्रामर में लॉजिक हो। तो इसीलिए हम ऐसी लैंग्वेज ही क्यों ना इस्तेमाल करें जो पूरी सबसे पहले जो बनी है, सबसे पुरानी है, जिसमें सबसे ज्यादा लॉजिक है। नो डाउट संस्कृत लैंग्वेज बहुत ग्रेट है, इसमें ऐसे नॉलेज के खजाने छुपे हुए हैं जो आज की टेक्नोलॉजी कभी सोच भी नहीं सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतनी नॉलेज है हमारे जितने भी वेद हैं उसमें। तो ये पूरा केस था, इसलिए इस्तेमाल नहीं हुई क्योंकि वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए अच्छी नहीं थी, वो सिर्फ कंप्यूटर को ट्रेन करने के लिए अच्छी थी उस वक्त पे, अब नहीं उस वक्त पे। अब तो बहुत इंग्लिश भी, अब आपको पता है गूगल नाउ है, सीरी है, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को भी समझ लेती है। धीरे धीरे मशीनों को ऐसा ट्रेन किया जा रहा है कि हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को वो समझ पा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बहुत ज्यादा कामगर है। तो इस बात में सच्चाई नहीं है कि बेस्ट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए नहीं, मशीन को सिखाने के लिए थी 1985 में, आज नहीं। आज ये बिल्कुल भी लॉजिकल रीजन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि संस्कृत लैंग्वेज कम है, संस्कृत में ज्ञान का खजाना छुपा हुआ है। समझ गए आप मेरी बात? तो ये चीज आपको पता चली होगी, ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे कि संस्कृत लैंग्वेज को ऐसा क्यों कहा जाता है। ये रिक ब्रिग्स की जो भी उन्होंने पुश किए थे पेपर्स, कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखे थे, उसकी वजह से फिर मीडिया में काफी हाइप हो गया, तब से ही हम ये सुनते आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा संस्कृत के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। कई लोग तो सुन के भी बोल रहे हैं, संस्कृत और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्या लेना देना है यार? लेना देना है, आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। आगे ये हो सकता है कि सही में संस्कृत समझेगी, संस्कृत बोलने वाले 14,000 लोग से भी कम है भारत में, ये लैंग्वेज बोली ज्यादा नहीं जाती, तो इसीलिए इसका कंप्यूटर में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर आप कुछ वेद पुराण पूरा पढ़ना चाहते हैं, कुछ अपनी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो आपको संस्कृत लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, आशा करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।